नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के फरखाबाद। डालमोट कारखाने में लगी भीषण आग, आग लगने से करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 3 घंटे के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। बता दें, सामान जलकर राख हुआ, कारखाना मालिक का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं फायर ब्रिगेड व पुलिस व्यवस्था की खुली पोल। बता दें, डालमोट कारखाने में भीषण आग लगी है। इस वक्त फरखाबाद कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती का ये मामला बताया जा रहा है। आग लगने से करीब बता दें 20 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फरखाबाद से देखिए ये खास रिपोर्ट रघुवंश दुबे के साथ। फायर ब्रिगेड वापस कर दो, फायर ब्रिगेड वापस कर दो, कोई जरूरत नहीं फायर ब्रिगेड की। हम ऐसे ढाई घंटा हो गया, अपने मशीन नहीं आई पाई, कहाँ से आई जाती मशीन वही को काम कर रही है। ढाई घंटा हो गया, मशीन वापस करो, फायर ब्रिगेड वापस करो। हम नहीं यहाँ मंगाई है, बरामदे विधायक जी को फोन करो, वापस करो। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। आग लगी है पूरे फरखाबाद में, पूरा फरखाबाद फूक गया है, लेकिन यह प्रशासन कुछ भी नहीं सुन रहा है। कोई मशीन नहीं, किसी तरीके की कोई मशीन नहीं है। प्रशासन मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अजित योगी नाथ मुर्दाबाद। कोई ढाई घंटे से कोई प्रशासन नहीं, कोई आग को भेज नहीं है। सब मुर्दाबाद अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं भेजी। दीवार रोड पर जो गाड़ी आ गई, फरखाबाद में 20 रोड है, फरखाबाद में एक रोड नहीं है। एक घंटा हुआ भाई, जो बहुत घंटा हुआ। कर्मचारी सरकार कुछ है, ये कर्मचारी भ्रष्ट है, ये सारे कर्मचारी भ्रष्ट है। बताओ, 3 घंटे हो गए आग लगे हुए, अभी तक कोई किसी तरीके की कोई भी सुनवाई नहीं। भाई साहब सभी लोग सुन लो, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फायर ब्रिगेड को फोन किए हुए कम से कम 4 घंटे हो गए, फायर ब्रिगेड को फोन किए हुए, फायर ब्रिगेड 4 घंटे सुनवाई करने जा रही है। ये फायर ब्रिगेड वालों को वापिस करो। राजेश पांडे, मोहल्ला कौन सा? नई बस्ती। अच्छा, तो दादा यहाँ पे क्या मामला हुआ, आग कैसे लग गई? अरे आग डालमोट का कारखाना है, और इस कारखाने के अंदर माल बनता है, तो भट्टी जल रही थी। भट्टी में कैसे तेल भरा, भट्टी जैसे ही निकली तो वहाँ पे जो होता राख आग होती है उससे पकड़ी आ गई, तो लोग बाहर निकले जो अंदर कर्मचारी थे। उसके बाद आग तो पीपा है, वो है डालमोट थी कुंटलों, वो जल हो गई। तब तक बत्ती भी, लाइट भी चली गई, लाइट चली गई, उसके बाद आग ने अपना भयानक रूप ले लिया। और ये मालिक हैं। अच्छा, तो किसी अभी कोई हताहत तो नहीं हुआ इसमें? नहीं नहीं, कोई अंदर कोई नहीं है, ना कोई हताहत हुआ। अच्छा, और एक कारखाना किनका, क्या नाम है? ये सत्येंद्र सिंह यादव है, इनका कारखाना है, डालमोट का कारखाना है। उसमें ही वो तो बेटा हो कि अभी सिलेंडर विलेंडर नहीं है कुछ भी। अच्छा, तो लगभग कितनी देर हो गई होगी आग लगे हुए? 2 घंटे हो गए हैं। फायर ब्रिगेड को किया है फोन पे, वो बता रहे जाम में है, और अब ITI के बाद पहुँची है। अच्छा, लगभग 2 घंटे हो गए अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची। अभी नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे बहुत सारी और भी बस्ती है, क्योंकि ये बस्ती है, अगर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची तो कोई अनहोनी की आशंका है? बिल्कुल बिल्कुल है। और लाइट चली गई, वो लाइट भी चली गई, ये भी ठीक रहा, और हवा तेज है, और जो हवा से दूसरे घरों में भी आग लग गई, दूसरे घर में आग थोड़ी बहुत फैल गई है, इसके अंदर सिलेंडर भी है। मतलब आग फैलती जा रही है, और उसका प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है? कोई ध्यान नहीं प्रशासन का, अभी तक कोई ध्यान नहीं। ठीक। अच्छा, ये आपके मकान में आग कैसे लगी? इसमें ये
लाइट चली गई थी, काम चल रहा था, लाइट आई तो उसने स्विच ऑन किया, उसमें गैस बन गई, वो एकदम से आग पकड़ गई। अच्छा, अंदर कोई इंसान? कुछ नहीं, अंदर कोई नहीं है। कोई मतलब ऐसा तेलीय पदार्थ, कोई घी वगैरह कुछ था? घी तो है, घी तो लगभग कितना 50-60 टीन करीबन है, 60 टीन घी है। लगभग आपका नुकसान कितना हो गया? लगभग 20 लाख रुपए का नुकसान है। अभी तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई? नहीं जी, कोई गाड़ी नहीं। कितना समय हो गया लगभग आग लगी? 2 घंटे हो गए। 12 बजे 12:15 बजे आग लग गई थी। लग गई थी अभी तक सूचना नहीं आएगा? अभी तो साहब नहीं, कोई सूचना सबके कोई नहीं आई, लगभग सारे मोहल्ले ने सूचना की है। कोई मौके पे आला अधिकारी पहुंचा है अभी? कोई नहीं, अभी तक कोई नहीं है। हमको जो है यशो के द्वारा सूचना प्राप्त थी कि जो है मकान में जो है नमकीन की फैक्ट्री, उसमें आग लगी है। हम तत्काल वहाँ से आए, लेकिन रास्ते में जो है आलू के जो है ट्रैक्टर वगैरह थे तो थोड़ा आपको अवरोध हुआ, और यहाँ आने तक गाड़ी आने में बड़ी मुश्किल पड़ी, किस तरीके गाड़ी को ला सकती, और आकर जो है हम लोग तुरंत जो है नीचे से और छत में चल करके ऊपर से ब्रांचों को लगा कर सिविल पुलिस एवं फायर सर्विस के कर्मचारियों द्वारा सहयोग से ना आग पर जो है 90% काबू पा लिया है। सर यहाँ नई बस्ती में एक गोदाम में आग लगी है, जिसमें बताया जा रहा है कि मतलब जो है कि काफ़ी मतलब जो है नुकसान हुआ है, तो उसकी क्या स्थिति, तो कैसे आपने आग पर काबू पाया? नुकसान के बारे में आग लगने के आग बुझने के बाद में ही इसका कंफर्म हो पाएगा कि मतलब इसमें कितना नुकसान आया कितना नहीं हुआ, इसका जो है आग बुझने के बाद ही और जो है क्लियर बता दें। क्या मतलब जो है जितना भी इसमें जो था कारखाने में पूरा जल के राख हो गया? हाँ, कारखाना जो है जो जितना था उसमें जो है जल गया, टूट गया। तो आपके द्वारा आग पर काबू पा लिया गया? आग, हाँ, हमारे द्वारा आग काबू पा लिया गया है। अच्छे से जो है धुआं निकल रहा है, तो उसको जो है।